प्रणाम सुंदरसाज जी, पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 25 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदरसाज जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य करें, और जो भी सुंदरसाज आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। और सुंदरसाज जी, जिन्होंने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमको आपको तुरंत मिल जाए। खुई सो भरम जो घेण जे लाथो लहे न किय, अंख उघाड़े सौ कुछण पुनवरितिये जीव जीवतीय। इंद्रावती कहती है, भ्रम तथा माया के इस नशे को आग लग जाए। यह नशा ऐसा है कि प्रयत्न करने पर भी उतरता नहीं है। यदि आंखें खोलकर हृदय पूर्वक विचार करके सीधी बात कहें तो भी वह जैसे का तैसा रह जाता है। त्रकु जोरी न तायम तायमे फोकट फेरा दीन, हिक छोड़ो लगाई न पाण में अधीरे उनी न जातो की न। एक सखी आवेश में आकर व्यर्थ ही घूमते हुए चरखे की तकली को तोड़ देती है और दूसरी सखी परस्पर झगड़ा करती है। हे बहन, उनका यह स्वभाव किसी भी तरह नहीं छूटता है। पाण त्रकु सारी न बियन जीव हकले कता इन, हिक जेड़ी उजाने जोर करे पाण आय तू कराई न। कोई एक सखी अपना और दूसरे का भी चरखा संभालती है और दूसरों को भी शीघ्रता से सूत कातने में लगाती है। कोई सखी दूसरी को भी अपनी सहेली समझकर सूत कातने के लिए प्रेरणा देती है। हिक खोटी करिन पाणवियन के त्रके पाइन वर, जड़े उठी दियु आतण मंजा तड़े गालियु थींदियु घर। कोई सखी न स्वयं काटती है और न ही दूसरे को काटने देती है, तकली को टेढ़ा मेढ़ा बनाकर बिगाड़ देती है। इसीलिए जब वह कार्यशाला से उठ जाएगी तो घर में ये सारी बातें होगी। हिक त्रकु जोरी न वियन जीव ते पर थिंदी किय, कतण ऊनी पूरो थे पण मिहिणा लेही दियुनिय। कुछ एक सखियां जो दूसरों की तकली को तोड़ देती है उन पर क्या बीतेगी, उनका सूत कातना तो पूरा हो जाएगा परंतु निश्चित रूप से वो उपालंब के पात्र बनेगी। जा जोड़ा लगाए प्राण में साक दी उचाट घणी, मन से भाए कोई न पसे पण महे बैठो सुने धनी। जो परस्पर झगड़ा कराती है उसे बड़ा पश्चाताप होगा। वह मन में ऐसा सोचती है कि उसका यह कार्य कोई देख नहीं रहा है, परंतु हृदय में बैठे हुए धनी सब कुछ देखते हैं और सुनते हैं। जीव करे मन से गालड़ी सास भे थिंदी घर, पाय न रहे दी तीर जेतरी अई जिन विसरो हीन पर। जीव जो कुछ भी मन से बातें करता है अर्थात अंतःकरण में विचार करता है वे सब परमधाम में प्रकट होंगे। तिल जितनी छोटी बात भी छिप नहीं पाएगी, तुम सब इस बात को मत भूलना। हिक कतण महे माठ थेई सेहन भीने रेवेण, तंदु चाड़ी न तकड़ियू नीचा ढारे नेण। कोई एक चुपचाप बैठकर सूत काटती है
और दूसरों के वचन सहन करती है। वह कर्धे और तकली पर डोरा चढ़ाकर आँखों को नीची करके कातने में रत रहती है। सागी नदी सुहाग धनी जा जेड़िए बीच वे ही सा उठी दी आयत मजा पेर पड़ता रो डे। वह सखी परम धाम में अन्य सखियों के बीच बैठकर धाम धनी का अखंड सुख प्राप्त करेगी और अत्यंत उत्साह के साथ पैरों से ताल देते हुए परम धाम में उठकर खड़ी होगी। घणो सा गेहदी हथड़ा जा चुकंदी हैर नींद्र लथे ओरातवी पण वरी हथन इंदी ही वेर। जो सूत कातना भूल जाएगी वह सखी हाथ मलती ही रहेगी। अज्ञान रूपी निंद्रा को जो हटा न सकी वह पछताएगी। उसे ऐसा सुअवसर प्राप्त पुनः प्राप्त न होगा। हित अंक उगाड़ींदी जोर से नसु चढ़ाए नीलाड़ जाहित थींदी नींद्र खरी सागर उठींदी ओलाड़। जो कोई जोर लगाकर और ललाट की नसों पर बल देकर आँख खोलेगी उनके अंतरपट खुल जाएंगे। परंतु जो इस मोह माया की गहरी निंद्रा में है वे उदासी लेकर परम धाम जाएगी। जाहित लाहिंदी निंदरड़ी सागर उठींदी छिड़काय हिन आतण संदियू गालियू कदी सा कोड़ मंझाय। जिसने इस संसार में अज्ञान रूपी निंद्रा से मुक्ति पा ली उसे तुरंत ही घर में उत्साह प्राप्त होगा। वह घर में इस संसार रूपी घर की बातें भिन्न भिन्न रूप से आनंद पूर्वक करेगी। अंख भुसिंदी जा उठिंदी के ही गाल कंदी सा कोड़ करे घणवे आवई पण निंद्रा न कढ़ई नेण मंझा। जो सखी नींद के आवेग में अम्मा आँखें मसलती हुई उठेगी वह सूत कातने के विषय में क्या बात करेगी। वह उत्साह के साथ परमधाम से इस खेल में आई थी परंतु अपनी आँखों से मायावी नींद हटा न सकी। द्रावती चोयनी अदियू आई को करियो ईय कोड करे आई आवयू अधिहाणे को ईय हीय। इंद्रावती कहती है हे बहनों तुम सब ऐसा क्यों कर रही हो। तुम सब सहर्ष यहाँ आई थी अब क्यों ऐसे ही बैठी हो। साणे सिपरियन से आई गालियों कदियों किय पाण संभारे न हरियो आके ही वेर न रहिंदिए। हे बहनों परम धाम में तुम प्रियतम धनी के साथ बातें कैसे करोगी। हृदय की आंखें खोलकर अपने मूल संबंध को याद कर लो क्योंकि फिर यह समय तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। तण के उतावरियू आई आतण आवियू कतण निंदरड़ी विसारियो हाणे लूडो लाड गहलियू। कातने के लिए जल्दी जल्दी उत्सुकता पूर्वक तुम इस संसार रूपी घर में आई। सुत कातने का कार्य इस मायावी नींद ने भुला दिया और इस कौटुंबिक झूठे लाड प्यार में मग्न होकर दीवानी बन गई। पीरी कोठण के आविया सुनियो सजन वेण कोन सुजानो सीपरी मथे खणी नेण। धामधनी सतगुरु स्वयं बुलाने के लिए आए हैं उनके वचनों को सुनो। आंखें उठाकर मस्त ऊंचा करके तुम धामधनी की पहचान क्यों नहीं करती हो। ही आतण थींदो अलखामणो
जड़े हलंदा सजन साणे नींद्र लिहाए नहारियो हिन वलहे जे वेणे। जब धाम धनी परम धाम चले जाएंगे तो यह संसार रूपी घर अत्यंत कठिन और दुखदायक लगने लगेगा। इसीलिए मोह माया रूपी निंद्रा को त्याग कर अप्रियतम धनी के इन वचनों को देखो। खुई करियो ही निंदरड़ी ही हंद औखो घणु आय जे ही निवेणे न उथियु तके ही पर कंदियु ताय। इस अज्ञान रूपी निंद्रा को विरहाग्नि में जला डालो। यह स्थान अत्यंत विकट और दुखदायक है। जो धनी के इन वचनों से जागृत न हुए उनका वहाँ कैसे स्थान होगा। पर पसो पीरियन जी पाण से के पेपर करे इंद्रावती चोए अदियु अहाणे हलोनी घरे। परंतु सतगुरु धनी की एक बात को देखो, उन्होंने हम सबको किस प्रकार अलग अलग ढंग से जागृत करने का उपाय किया है। इंद्रावती कहती है, हे बहनों अब तुम सब मूल घर परम धाम चलो। धनी मंज अची करे आके बैठा वेण चाए वियन के मतुडिये पण तो पर के ही आए। धाम धनी सतगुरु इस संसार में आकर तुम सबको ये वचन सुना रहे हैं। हे इंद्रावती तुम दूसरों को ज्ञान देती हो किंतु तुम्हारी अपनी स्थिति कैसी है। प्रकरण 26 चौपाई 648। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 26 पूर्ण होता है। आगे के प्रकरण का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।